पुलिस वाले नूं राज राज दी डेड बॉडी मिली है। सिमरन पुत्र मेरी गल तो सुन। सिमरन पुत्र ऐ की हो गया? ऐवें कि मेरे राज नूं कुछ हो सकता है? वीरे तेनू कोई गलत फोन आ गया होना? हाँ राज मेरे तो दोस्त सी, पर है तो मेरा ही ना। मेनू तो लगता है कुंडली विच ही दोस्त होना। ग्रह एदे माड़े सी ते मारकार आला गया। तुहाडे ते थोड़ी बहुती भी शर्म है? एक तो सिमरन दीदी ते पहले ही दुखा दा पहाड़ टूटिया होया, उत्तों तुसी एना नूं चीचा जी दी मौत ते जिम्मेदार ठहरा रहे। ना ना असीं तां ओवें गल कीती सी। थोड़े दुख नूं समझ सकती हां सिमरन दीदी, पर फिर भी तुहानूं कहांगी कि बस करो। होर किन्ने हंजू बहाओगे? ये हंजू मेरे वास विच नहीं है भाभी जी। मैं जिन्ने साफ कर दिया है उन्ने आ जांदे ने। राज चाहे इस घर नूं छड्ड के चला गया सी, पर फिर भी मैनूं एक उम्मीद सी कि वो वापस मुड़ के जरूर आएगा। हुण तां मेरी उम्मीद भी खत्म हो गई। हुण मेरे राज ने कदी वापस मुड़ के नहीं आना भाभी जी। मेरे राज ने कदी वापस मुड़ के नहीं आना। बस करो सिमरन दीदी, बस करो। हुण तुसी नूर बारे तां सोचो। हुण तुसी ओदे लई जीना है दीदी। ओदी खुशियां विच अपनी खुशियां नूं वेखना है। चलो तुसी इत्थे कल्ले ना बैठो, मेरे नाल थल्ले चलो। मैं तुहानूं जूस बना के देनी। आज हाँ बोल। मेडिकल रिपोर्ट आई है राज दी, ओदे खून विच पुलिस नूं अपने वाली ड्रग मिली है। तुहाडा भतीजा करन को ज्यादा तेज बनता है। हुण किधरे ओनू पता ना चल जावे कि राज ड्रग रैकेट विच शामिल सी। फिर तुहाडे भतीजे ने तारां जोड़न विच टाइम नहीं लाउणा ते गल सिद्धी तुहाडे ते मुकणी है। फिर की करोगे? सूरज पुठे पासियों चढ़ सकता है, चन्न दिन च चढ़ सकता है, पर लाजो तक पहुंचना किसी दी कुंडली च नहीं लिखिया ते ना ही किसी दे लेखां विच। जिन्ने भी मेरे राधा रोड़ा बन दी कोशिश कीती ना, ओदे सा खत्म। फिर भावे ओ राज होवे या करण। सिमरन पुत्र सबर कर, ते पीड़ा सारी जिंदगी नहीं जोण दिंदी। सबर कर मेरी धीए, सबर कर। करण जी, मैनूं लगता है तुहानूं सिमरन दीदी नूं ना सच सच दस देना चाहीदा है कि जीजा जी की करदे सी। सिमरन। हाँ वीरे। तेनू पता सी कि राज ड्रग्स लेंदा सी? ड्रग्स नहीं वीरे, मेनू तो सिर्फ इतना पता है कि वो कदी कदी ड्रिंक कर लेंदा सी, पर ड्रग्स के बारे तो मैंने कुछ भी नहीं पता। ओदे ब्लड सैंपल विच निकले है कि वो कोकेन लेंदा सी। कोकेन? तेरे मैं तो ये सब दे बारे सोच भी नहीं सकती। हाँ सिमरन, सोचते मैं भी नहीं सकता।
बल्कि यह पूरा सच भी नहीं। मैंने तो यह भी लगता है कि मोहाली विच जरा ड्रग्स का रैकेट चल रहा है ना, उधर विच वो इन्वॉल्व सी। जय मार्चेंट पूर्णी। मैं 9 बजे राज के ठिकाने रेड करनी है तो मैं हुने निकल रहा। एक मिनट रुको करें जी। हुने आया ना कहना कि मैं रेड करना जावा। तुसी जाओ करें जी, बस अपने नाल ए माता चिंतपूर्णी दा आशीर्वाद लेके जाओ। चिंतपूर्णी हर मुश्किल विच तुहाडी रखिया करेगा, बस इनू कदे खोलियो ना करें जी, इहदे नाल मेरी आस्था जुड़ी है। आपनी तुहाडे वर्गा हमसफर खुशकिस्मत लोकां नूं ही मिलदा, ते मैं जानदा तुसी हमेशा मेरे बारे ही सोचते रहिंदे। मैनू पूरा भरोसा है जब तक तुसी मेरे नाल हो मैनू कुछ भी नहीं हो सकता। हुण मैं चलना। कमल मेरी गल ध्यान नाल सुन, राज जिथे रहिंदा सी ना आज आती मैं उथे रेड करन जा रहा, ते मैनु पूरा यकीन है मैनु उथे ड्रग्स रैकेट दी कोई ना कोई लीड ते जरूर मिलूगी। जनाब पक्का मार रही है रेड? क्यों, तेरे को कोई होर प्लान है? नहीं नहीं जनाब, ओ ना कल पटियाला पुलिस ने भी एक ऐसी रेड मारी सी। अग्गे उन्होंने गोलीबारी शुरू कर दी ते 5 पुलिस वाले मारे गए सी जनाब। अज दी अखबार विच ही छपी है जी ये खबर। कमल तू पुलिस वाला होके डर रहा है? एहो जी खबर ते रोज छपदी रहिंदी, एहो जे हादसे भी होंदे रहिंदे ने। जे पुलिस ही डरेगी
ਤੇ ਮੁਜਰਮਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਫੜੂਗਾ? ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਛਪਣ ਵਾਲੀ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਜਨਾਬ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਆਖਿਰਕਾਰ ਉਹ ਕਾਫੀ ਖਤਰਨਾਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਮਾਂ ਚਿੰਤਪੁਰਨੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੀ ਰਹੇ ਕਰਨ ਜੀ, ਤੇ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਤੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ। ਪਾਪਾ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਖੁਸ਼ ਰਹਿ ਪੁੱਤਰ। ਰਾਜ ਦੀ ਖਬਰ ਸੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਪੁੱਤਰ। ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਧੀਆਂ ਵਰਗੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਲਾਇਕ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੀ। ਕਰਨ ਪੁੱਤਰ, ਕੇਸ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ? ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਆਪ ਮਰਿਆ ਮਰ ਜਾਣਾ। ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਤਾਂ ਬਲਾ ਟਲੀ। ਕਰਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਡਰੱਗਸ ਦਾ ਧੰਦਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮੋਹਾਲੀ ਚ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਲਖ ਪੋਤੀ ਮਰ ਜਾਣੀ। ਪਾਪਾ ਜੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਸਿਮਰਨ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਉਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੂੰਹ ਵਿਖਾਉਣਾ ਸੀ। ਤੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਪੁੱਤਰ, ਇਹ ਲੋਕ ਬੜੇ ਖਤਰਨਾਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਾਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤਾਂ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਪਾਪਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹਾਂ। ਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਪਾਵਨੀ ਮੇਰੀ ਸਲਾਮਤੀ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਚਲੋ ਸਿਮਰਨ ਦੀਦੀ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਖਾ ਲਈ। ਆਓ ਪਾਪਾ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਘਰੋਂ ਹੀ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਖਾਓ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਰੱਖਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਨਦੀ ਚ ਸੁੱਟਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਸੋ ਮੈਂ ਸੁਟਵਾਤੀ ਸੀ।
ते मेरी जिम्मेदारी उथे ही खत्म हो गई सी। ओए तुहानू की लोड़ सी इक बंदे नू दिन दिहाड़े गोली मारन दी? नाले हां सच मैं तो सोचा सी कि तुसी शायद सिमरन करके उसनू गोली मारी है, पर मैनू तो बाद च पता लग्या कि ओ तुहाडा प्यादा भी सी। उन्हें कोई काम चंगी तरह किया नहीं होना, इस करके तुसी उसनू गड्डी चाड़ता। जबान तक बहुत चलन लग पई है ते चला चला जिनी चला सकता है, पर मेरी चुप नू चुप ना समझी। ये तूफान तो पहला आने वाली शांति है, ते हुण जदों तूफान आया ना तो बहियां मचा देंगी तो बहियां। हुक्म करो जी अगे की करना है। पंजाब विच फिलहाल थोड़ी जी ठंड रखनी पैनी, ते कदम हरियाणे वल नू वधाउणे ने, ते तू उधर ध्यान दे। मैं शांति नाल कम करना चाहनी, मैनू कोई भी पंगेबाजी नहीं चाहिदी, ते नाले हुण तैनू मैं आप फोन करांगी, तू मैनू दोबारा फोन ना करी। ठीक है। पंगा ता ओ भी मेरे नाल। मैं क्या समझन जी किदां दा लग्या मेरा तोहफा? सरपंच तू लो तुसी ता मेनू पछाण भी लिया है। शायद मेनू नहीं पछाणिया तुसी सरपंच साहब, ताही ता इन्ने वड्डे ते गलत कदम चक रहे हो। कदम चुकने मैं तुहाडे तो ही सिखे हां, हुण तुहाडा ए फर्ज है कि मेरी उंगल फड के मैनू चंगी तरह तुरना सिखाल दियो। की चाहिदा है? पहला ता मैं ए दसना चाहना कि जो वीडियो मैं तुहानू भेजा है ना वो मैं होर भी कई थावां ते भेज चुकिया। अगे बोलन तो पहला मेरी एक गल ध्यान नाल सुन लो सरपंच साहब, जेड़ा हाल मैं थोड़िया अखां दे सामने राजदा कीता ना
किते मेनू तुहाडा भी ना करना पै जावे। ऐदां दी सोच भी ना लैणा अपने मन विच समझन जी। तुहाडी जानकारी लई मैं दस दियां कि इह फोन कॉल भी तुहाडी रिकॉर्ड हो रही है। बाकी वीडियो तो मैं पहले ही कई थावां ते भेज चुकिया। हुण जे मेरा वाल भी बिंगा होया ना तां तुहाडा असली रूप सारयां दे सामने आ जाणा। अगे पौंक। सब तो पहला तां अपनी आवाज थल्ले करो ते अपने पालतू कुत्ते दी तरह मेरे ते हुक्म चलाना बंद करो। देखो मैं तुहाडे नाल रवांगा पर तुहाडे तो दबके नहीं। मेरी धी वल अख चुक के ना वेखना, बस होर मैं कुछ नहीं चाहता। सतपाल दे भी ना पर निकल आए ने, इनू एदी जगह दिखानी ही पाएगी। मैं जो भी कर रहा अपनी धी की सलामती लिए कर रहा। मैं नहीं चाहता कि ओदी धी मेहर दा राज बाहर आवे। मैं ये भी जानदा कि लाजो परिंडा दा छत्ता है ते ओदे नाल पंगा लैके मैं पुट्ठा ही पंगा ले लिया। वेख के चंगा लग रहा है सिमरन कि तू अपने आप नूं संभालने की कोशिश कर रही। वाओ छोले ते भटूरे। हाँ जी खास तुहाडे लई, तुहानू बड़े चंगे लगते है ना। जे असी सारे कठे बैठे हाँ तो मैं तुहानू सारिया नू एक खबर सुनाना चाहनी हाँ। माता चिंतपूर्णी की कृपा नाल मैं ते करण जी ने फैसला किया कि असी दोवे फिर तो अपने बच्चे लिए ट्राई करांगे। ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ? ਆਈ ਐਮ ਰੀਅਲੀ ਸੌਰੀ। इन्हों की सारी रिपोर्ट देखने तो बाद मैं यही कह सकता कि इन्हों का मां बनने के चांसेस बहुत घट ने। वैसे मैं थोड़ा यह सलाह तो नहीं देवगा पर कुछ होर रस्ते भी ने। आई मीन फर्टिलिटी ट्रीटमेंट है जिदे नाल कि एक कंसीव कर सकते हैं पर उहदे लई प्रॉपर ट्रीटमेंट बेस्ट केयर की लोड़ पैंदी है पर तुहाडे केस दे विच उस ट्रीटमेंट दे सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत घट ने। कोई गल नहीं डॉक्टर, चांसेस घट नहीं ना पर हैगे तां सही। मिसेस कराना ये इन्ना भी आसान नहीं है, ये बहुत डेंजरस हो सकता है क्योंकि ये बहुत साइड इफेक्ट होंगे और वो साइड इफेक्ट सीधा बॉडी ते असर करते ने। नाले सब तो वड्डी गल ये ट्रीटमेंट फेल भी हो सकता है। बाकी फिर भी तुहाडी मर्जी जिवें तुहानू ठीक लगे। सानू माता चिंतपूर्णी ते पूरा भरोसा है, उन्हां दे आशीर्वाद नाल साडा परिवार जरूर पूरा होएगा। मैं इस ट्रीटमेंट लई तैयार हाँ डॉक्टर। देख लो जिवें मर्जी तुहाडी। ਜੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਮਾਨ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਫ ਸਾਫ ਕਿਹਾ ਕੇਸ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਰਿਸਕ ਤੇ ਇਹਦੇ ਬੜੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੋਚੋ ਕਰਨ ਜੀ, ਫਿਰ ਸਭ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਨਾਲ ਦੱਸ ਦਿਓ ਪਲੀਜ਼। ਬਿਲਕੁਲ,
मैं तुहानू फिर दस दवा कि वैसे तो यह ट्रीटमेंट बहुत सेफ होंगे बट तुहाडे केस विच ऐसा नहीं क्योंकि तुहाडे प्रैगनेंट होने के चांसेस काफी घट ने ते फिर इहदा उल्टा असर भी पै सकदा। मैं जानती हूँ डॉक्टर पर अपने परिवार नूं अगे वधाउण लई मैं ट्रीटमेंट लेना चाहुंदी हां। तुहाडे कोल दो ऑप्शनस ने पहला ऑप्शन IVF ते दूसरा सरोगेसी तुसी एक दो दिन चंगी तरह सोच लो ते फिर मैनूं दस दो तुसी किहड़ा ट्रीटमेंट करवाना चाहुंदे हो। टेक योर टाइम एंड गेट रेडी। थैंक यू डॉक्टर साहब।